नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप रनिंग शूज़ खरीदने जाते हो, चाहे आप कोई साइट से Amazon, Flipkart, Decathlon या फिर आप कोई दुकान से खरीदते हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखकर आप अच्छे रनिंग शूज़ का सिलेक्शन कर सकते हो, वो चीज़ें मैंने आपको बताया। अगर वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जो शूज़ वाला वीडियो है, इसका दो पार्ट होने वाला है, मतलब कि पहला पार्ट तो वो था, अब दूसरा पार्ट ये है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हर रेंज के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ कौन कौन सा होने वाला है मेरे एक्सपीरियंस से। जो मेरा पुराना 8-10 साल का रनिंग का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे शूज़ को मैं खुद उपयोग कर चुका हूँ और बहुत सारे शूज़ को जो मेरे दोस्त उपयोग कर चुके हैं, उनका रिव्यू लेकर मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हर रेंज के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ कौन कौन सा होगा। तो मैंने पिछला वाला जो वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक शूज़ के बारे में बताया था, तो बहुत लोगों को वो शूज़ नहीं मिल रहा था। तो उसमें बहुत सारा कमेंट ये आया था कि भाई, जब आप अगला वीडियो बनाओ तो उसमें आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देना, बाइंग लिंक की, वहाँ से हम खरीद सकें। तो मैंने बहुत सारा शूज़ का कोशिश किया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके खरीद लेना अगर आपको ख़रीदना हो तो। और वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो लाइक अभी से कर दें और कमेंट ज़रूर करके बताएँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ और हर साइट से कंपेयर करके, ठीक है, Amazon, Flipkart, जहाँ पर जो जो कंपनी के अच्छे अच्छे शूज़ मिल रहे हैं और जितने जितने रेट में, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप स्क्रीन पे बने रहिए, आप वीडियो सारा अंत तक देखिए, आपको खुद हर रेंज के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ मिलता जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। 350 के अंदर जो दो बेस्ट रनिंग शूज़ होने वाला है, वो है गोल्ड स्टार और यूनी स्टार। गोल्ड स्टार यूनी स्टार से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड स्टार साइट से अगर आप लेते हैं तो 450-500 पड़ जाएगा, लेकिन आप कोई शूज़ की दुकान से लेते हैं तो वो 350 के अंदर हो जाएगा। और यूनी स्टार तो सस्ता है ही, 250-300 के अंदर हो जाएगा। दोस्तों, 600 के अंदर अगर आप अच्छा रनिंग शूज़ लेना चाहते हो तो सेगा को ट्राई कर सकते हो, एशियन का रनिंग शूज़ ले सकते हो, बाका बूसी ले सकते हो या फिर लेंसर ले सकते हो। अगर ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, ज़्यादा दिन तक चलने वाला शूज़ चाहते हो तो सेगा को ले सकते हो, और सोल क्वालिटी थोड़ा अच्छा चाहते हो तो एशियन का ले सकते हो। और बाका बूसी और लेंसर भी कम दाम में अच्छे अच्छे रनिंग शूज़ दे रहे हैं, आप वहाँ पर भी जाकर ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बारी है 800 रुपये के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शूज़ है, ये मिल रहा है Amazon पर 749 रुपये का, कैंपस का, जो कि बहुत अच्छा रनिंग शूज़ है। और दूसरा जो है वो मिल रहा है, ये भी 749 का, और ये मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर, ये स्पार्क का रनिंग शूज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 1000 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ लेना चाहते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 रनिंग शूज़ दिखाया है। पहला जो है वो है लोटो का मेंस रनिंग शूज़, जो कि 948 रुपये में Amazon पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर ख़रीद सकते हैं। दूसरा जो है वो है कैंपस का रनिंग शूज़, और तीसरा जो है वो है स्पार्क का रनिंग शूज़। तीनों ही रनिंग शूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका पैर वगैरह सिन पेन बहुत ज़्यादा होता है तो साइड वाला स्पार्क का रनिंग शूज़ ले सकते हैं, और नहीं तो लोटो का जो रनिंग शूज़ है वो भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारे रनिंग शूज़ का नाम देखिए या फिर ऊपर या फिर नीचे दिया गया है, आप इस नाम को सर्च कीजिएगा तो यही रनिंग शूज़ आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट गूगल में ये नाम सर्च कर सकते हैं, तो जिन जिन ऐप में ये रनिंग शूज़ होगा आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात आई 1500 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको फिर से 3 रनिंग शूज़ बताया है। जो पहला है वो है स्पार्क का रनिंग शूज़, दूसरा है वो है पावर, मतलब कि बाटा का रनिंग शूज़, तीसरा है कैंपस का रनिंग शूज़। जो स्पार्क्स वाला है वो 1200-1300 के आसपास मिल जाएगा, और ये पावर वाला भी 1200-1400 के बीच में मिलेगा, और कैंपस वाला भी 1200-1400 के बीच में मिलेगा, ठीक है। और कलर का कुछ कुछ अलग प्राइस है, और जितने भी शूज़ है सारे शूज़ में 30 से 90 दिन का वारंटी भी है, किसी में 30 दिन का है, किसी में 90 दिन का है, लगभग सारे शूज़ में जितना मैं बता रहा हूं। दोस्तों, तीनों में से आप कोई भी एक शूज़ ले सकते हैं, तीनों एक से बढ़कर एक है, तीनों में से कोई भी आपको जल्दी धोखा नहीं देगा, मतलब कि ज़्यादा दिन चलेगा और अच्छे से भी चलेगा। और इसमें ये जो शूज़ हैं, इसमें सोल क्वालिटी जो तीनों का है, तीनों का सोल क्वालिटी बहुत अच्छा है, और जो ऊपर का ये जो जाली है कपड़े का, ये नहीं फटेगा जल्दी।
दोस्तों 2000 के अंदर जो सबसे अच्छा रनिंग शूज़ होने वाला है वो होने वाला है कलेंजी का रनिंग शूज़। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपको डेकाथलन ऐप पे मिलेगा। डेकाथलन ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। वहाँ ये अभी 1999 रुपए में दिखा रहा है और ये वुमेन लिखा हुआ, इसको मैन और वुमेन कोई भी उपयोग कर सकता है, मैं भी उपयोग कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रनिंग शूज़ है और पिछले वाले वीडियो मैंने आपको इसी के बारे में बताया था कि मैंने नया ख़रीदा भी हूँ। और जो बगल में है वो है एडिडास का रनिंग शूज़, ये भी रनिंग शूज़ अच्छा है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो कलेंजी वाला रनिंग शूज़ है ये 2000 के अंदर अभी तक का सबसे बेस्ट रनिंग शूज़ है मेरे ख्याल से। दोस्तों अगर आप 2500 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ लेना चाहते हो तो देखिए मैंने यहाँ पर तीन रनिंग शूज़ दिखाया है। पहला जो है वो है कलेंजी का रनिंग शूज़, दूसरा जो है वो है पावर बाटा का रनिंग शूज़, तीसरा जो है वो एडिडास का रनिंग शूज़। जो कलेंजी वाला है वो आपको डेकाथलन ऐप पे मिलेगा, 2499 रुपए में दिखा रहा है। और जो पावर का रनिंग शूज़ है ये 2250 के आसपास का, और जो एडिडास है वो भी 2499 रुपए का है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक रनिंग शूज़ ले सकते हैं। और जो 1200-1500 के बाद मैंने जितने भी रनिंग शूज़ आपको दिखाया है लगभग हर शूज़ में 30 से 90 दिन का वारंटी दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 30 से 90 दिन के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत होता है सोल में या फिर शूज़ में तो शूज़ को चेंज किया जा सकता है, या फिर चेंज नहीं भी किया जाएगा तो कंपनी के द्वारा एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है, आप हर शूज़ को ख़रीदने के बाद उसका वारंटी पीरियड एक बार चेक कर ले। और पावर भी अच्छे अच्छे रनिंग शूज़ बना रहा है तो आप पावर का भी रनिंग शूज़ जाकर चेक कर सकते हो। और एडिडास वाला का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर लें। दोस्तों अब बारी है 3000 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ लेने का। तो दोस्तों यहाँ पर दो रनिंग शूज़ जो है दोनों है नाइकी के। वो एक है नाइकी डाउन शिफ्टर 7 रनिंग शूज़, एक है डाउन शिफ्टर 9 रनिंग शूज़। दोनों ही फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है और दोनों ही एसवर्ड है। एक का रेटिंग 4.2, एक का रेटिंग 4.4। ठीक है, तो आप इन दोनों शूज़ का उपयोग कर सकते हैं रनिंग के लिए। इसका जो सोल क्वालिटी है वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो कपड़े का जाली जो दिखाया जा रहा है आपको लग रहा होगा फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने भी इसको उपयोग कर चुका हूँ, इसका जाली बहुत अच्छा है। और अगर आप रोड रनिंग वगैरह करते हैं या फिर आप ऐसे जगह पर रनिंग करते हैं जहाँ सरफेस बहुत कड़ा है तो आप इन दोनों शूज़ का उपयोग कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको इस शूज़ को लेना है तो इस शूज़ का नाम देखिए नीचे लिखा गया है, आपको यही जाकर फ्लिपकार्ट में सर्च लगाना है और ये शूज़ आपको मिल जाएगा। इसका रेटिंग भी अच्छा है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और 3000 के अंदर एक दो कलेंजी का भी रनिंग शूज़ अच्छा है, आप डेकाथलन ऐप पर जाकर वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। दोस्तों अब बात आई 3500 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ का। तो 3500 के अंदर तो मुझे ये एसिक्स वाला नहीं मिला, ये 3599 रुपए में मिला। लेकिन ये जो रनिंग शूज़ है एसिक्स का, बहुत ही अच्छा रनिंग शूज़ है। अगर आप एसिक्स का कोई भी रनिंग शूज़ लेते हो 2500 के ऊपर तो आपका दिल खुश कर देगा। एसिक्स का जो सोल क्वालिटी होता है बहुत ही अच्छा आता है और पहन के बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और जो दूसरा रनिंग शूज़ है वो है पुमा यूनेक्स रनिंग शूज़। ये दोनों ही अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। इन दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, और जब बात आती है महंगे रनिंग शूज़ का, 3000, 4000, 5000, 6000, तो इनमें एसिक्स जो होता है वो नंबर वन ब्रांड हो सकता है मेरे ख्याल से। और मुझे पर्सनली भी एसिक्स का रनिंग शूज़ बहुत अच्छा लगता है। इन जूतों में भी 90 दिन का वारंटी पीरियड दिया गया है। और जब आप ये शूज़ लेने जाओ तो इसका दाम कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। ये मैं अभी रिसेंट जो दाम है उसके हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और कभी कभी जब सेल आता है तो एसिक्स का रनिंग शूज़ थोड़ा सस्ता भी हो जाता है। एसिक्स का हर रनिंग शूज़ थोड़ा सस्ता हो जाता है, तो आप सेल में भी रनिंग शूज़ ले सकते हो, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब बारी है 4000 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज़ का। तो दोस्तों यहाँ पर दो रनिंग शूज़ मैंने आपको दिखाया, एक है मिंजो का रनिंग शूज़ और एक है एसिक्स का रनिंग शूज़। एक आपको मिलेगा 3900 में और एक मिलेगा 3890 या 99 रुपये के आसपास। दोनों इस रनिंग शूज़ बहुत अच्छा है और मिंजो भी अच्छा कंपनी है, उसका भी आप रनिंग शूज़ ट्राई कर सकते हो। और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो।
दोस्तों 4500 के अंदर जो दो बेस्ट रनिंग शूज़ होने वाला है वो है एक एसिक्स जेल प्लस 10 रनिंग शूज़, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ये फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 4122 रुपए में, मैंने 2500 में लिया था ऑफ़र में, आप भी ऑफ़र का इंतज़ार कर सकते हो। दूसरा है वो है क्विट्स रनिंग शूज़ जो कि नाइकी का है, इस ये भी आपको फ्लिपकार्ट में 4489 रुपए में मिल रहा है, तो आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हो या हो सके तो मैं लिंक डालने का कोशिश करूंगा। दोस्तों अब हमारे पास है 5000 के अंदर का बेस्ट रनिंग शूज़। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको दो शूज़ दिखाया है, एक है पूमा मैन स्पीड रनिंग शूज़ जो कि 4999 रुपए में मिल रहा है अमेजोन पे, और दूसरा है जेल फ्लैक्स 5 रनिंग शूज़ एसिक्स कंपनी का जो कि 4899 रुपए में फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। दोनों ही रनिंग शूज़ बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। अगर आपका पैर वगैरह में थोड़ा ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है, सीन पेन या फिर नी पेन होता है, तो एसिक्स वाला आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो अगर अभी तक आपने लाइक और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर से कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।